मैं हूं अभी भारत के तीसरे सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर। ये अपने भारत देश का एक ऐसा स्टेशन है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुआ था, जब बॉम्बे भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का। इस स्टेशन से प्रतिदिन करीब लाखों पैसेंजर्स का आना जाना है, और कुछ लोग तो इसलिए आते हैं ताकि इसकी खूबसूरती को निहार सके। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ YouTube इवेंट अटेंड करने आया हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बताने के साथ साथ मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी एक दिन पहले। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी K2K का सफर कर रहा हूँ, बोले तो कश्मीर टू कन्याकुमारी का सफर कर रहा हूँ। इस सफर के दौरान मैं करीब 4000 किलोमीटर साइकिलिंग करने वाला हूँ, ताकि मैं अपने भारत देश को और भी करीब से देख पाऊँ। तो K2K का सफर के सातवें एपिसोड में आपने देखा था कि मैं पहुंच चुका था ग्वालियर जंक्शन। तो अपने इस K2K का सफर से कुछ दिनों का ब्रेक लेके आज मैं जाने वाला हूं मुंबई, वो भी एक जनरल क्लास में। और सच बताऊं तो जनरल क्लास में ट्रैवल करके मुंबई पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि मुंबई जनरल क्लास में जाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो अब देखना ये है कि मेरा सफर कैसा रहता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्वालियर जंक्शन। अभी बज चुके हैं सुबह का कितना, 9 बज रहे भाई। और मेरी जो ट्रेन है ना, दो ट्रेन है यहाँ से, एक पंजाब मेल है, उसकी टाइमिंग थी 10:30 को, वो भी लेट है 1.5 घंटे। एक और लक्षद्वीप करके ट्रेन थी, वो भी लेट। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ एक इंडियन कॉफी हाउस में, डोसा खाऊंगा आज मैं, अगर खुला होगा तो। लग तो रहा है खुला है भाई, मैंने ऑर्डर करा है भाई पनीर डोसा। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इन दो चमचों का यूज नहीं किया जो डोसा के साथ दिया जाता है, क्योंकि भाई हाथों से खाने में जो स्वाद आता है ना, वो स्वाद इन चमचों से खाने में कहा। ब्रेकफास्ट हो गया, अब थोड़ा देख लेते मेरा साइकिल का हाल कैसा है भाई। ओ भाई धन्नो, एक बार मेरा पेट भर जाता है तो मुझे लगता है मेरा सारा काम हो गया, लेकिन हम बचा हुआ है अभी। ये सारे समेट कर मुझे यहीं पे रखना है, मतलब इस रूम में नहीं, इस डॉर्मेटरी में नहीं, वहां मैं रिसेप्शन के पास रखूंगा। एक भैया से मैंने बात किया है, बाकी एक सेट कपड़ा लेकर मैं जाऊंगा मुंबई। थैंक यू सो मच। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन के रास्ते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जाने वाली गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। मैं प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ा हूँ, फिर याद आ रहा है मैंने तो टिकट ही नहीं लिया भाई। ये भाई मैंने टिकट ले लिया है भाई। जब भी मुझे डर लगता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है, देखो मेरा चप्पल पूरा भीग गया। जनरल क्लास में चढ़ने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म देखो भरा हुआ पीछे। खैर फाइनली हमारी ट्रेन आती है, और ट्रेन के जनरल कोच पे जैसी मेरी नजर पड़ती है मुझे पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि मैंने जितना आशा किया था उससे कहीं ज्यादा भीड़ थी। इस कोच में मैंने चढ़ने का बहुत प्रयास किया लेकिन मुझसे ना हो पाया, इसलिए फिर मैं दूसरे कोच की ओर भागता हूँ। बहुत भीड़ है यार। इस कोच में मैं चढ़ तो जाता हूँ, लेकिन इस कोच में भी इतनी भीड़ थी कि मैं गेट पर ही बुरी तरह फंस जाता हूँ। थोड़ा प्रयास करने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर खड़े होने का जगह मिलता है। इस पॉइंट पर मैं यही सोच रहा था कि कहीं मैंने कोई गलत चैलेंज तो नहीं ले लिया ना। एक मन कहता है कि चलो अगले स्टेशन पर हम उतर जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम से भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन। भाई अभी तो सीट नहीं मिली है, देखो आगे मिलते कि नहीं मिलते हैं। बोले एक दो स्टेशन पर सीट मिल जाएगी, लेट्स सी क्या होता है। चलो भाई कम से कम बैठने के लिए जगह मेरे को मिल गया, देखते हैं कब तक बैठ पाते हैं यहाँ पे। खैर शाम को मेरे को जोरों की भूख लगती है, और गेट पर इतनी भीड़ देखकर मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी स्टेशन पर उतरकर मैं कुछ खाने का सामान ले लूं, क्योंकि मैं बाहर तो आराम से चला जाता लेकिन अंदर आना एक इम्पॉसिबल टास्क था। खैर कुछ टाइम के बाद आगमन होता है एक चन्ने वाले भैया का, जिनसे मैं चन्ना लेकर अपना थोड़ा भूख मिटाता हूँ। देखो मैंने ट्रेन के हर क्लास में ट्रेवल किया हूँ, जनरल क्लास के डब्बे से लेकर फर्स्ट क्लास तक,
लेकिन जनरल क्लास में ट्रेवल करने के दौरान जो हमें सीखने को मिलता है वो किसी और क्लास में नहीं मिलता। वो ये कि लाइफ में कभी कभी हमें कहीं पहुंचने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब कुछ चीजों का हमें त्याग करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि अगर हम लाइफ में एडजस्ट करने की कला सीख गए ना, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर सकते हैं। खैर, रात को जब मुझे भूख से रहा नहीं गया तो अपने को पैसेंजर्स को बोलकर बाहर से समोसे मंगवाता हूं। भाई ये समोसे में नमक इतना डाल के दिया है, इसलिए समोसे में खा ही नहीं पाता। खैर, अगले सुबह फाइनली हमारी ट्रेन पहुंचा देती है हमें मुंबई। और हाँ, स्टेशन पर उतरने से पहले मुझे थोड़ा टाइम सोने को भी मिल गया था। वैसे जिसने भी कहा है बहुत सही कहा है कि सुख आते ही हम दुख को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वैसे भूलने से याद आया, मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड मेरा पैसा लेकर भूल गई है। तो अगर तुम मेरी वीडियो अभी देख रही हो, मुझे पता है तुम देख ही रही होगी, तो मेरा पैसा वापस कर देना वरना अगली वीडियो में तुम्हारा फोटो आएगा। वेलकम टू मुंबई दोस्तों, मैं पहली बार आ रहा हूँ भाई यहाँ पे मुंबई में। भाई स्नान तो कर लिया, मतलब अच्छे से फ्रेश हो गया, अब मेरे को लगा है कस के भूख। ओके, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। स्टेशन के बाहर मुझे दिखाई देता है दो तल्ले वाला बस, जिसमें मैं बैठकर निकल पड़ता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए। जैसे ट्रैवल करने में ऐसा लगता है कि जैसे बस के छत पे बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं। भाई इतनी भीड़, हमेशा इतना ही भीड़ होता है कि मैं आया हूँ इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है यहाँ पे। हमारे यहाँ मेला लगता है ना वैसे ही। इस भीड़ में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे 25% से भी ज़्यादा भीड़ फोटोग्राफर का है। मेरे पीछे भाई आपका ताज होटल, यहाँ पर 25% से ज़्यादा लोग मुझे ऐसे करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ आता ही गर्मी है यार, मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना गर्मी होगा यहाँ पे, चिलचिलाती हुई धूप है पूरा। अब जिसके लिए आए वहाँ से आते हैं, वहाँ से दिखा रहा 12 किलोमीटर, देखते कितना टाइम लगता है। एक भैया ने बताया कि बस आगे से मिलेगा, लेट सी क्या होता है। भाई यहाँ बस का कुछ पता ही नहीं चल रहा है और मेरे को ऐसा लगता है बस के चक्कर में काफ़ी लेट हो जाएगा, तो ऐसा करता हूँ कैब से निकल लेते हैं। ये घूमने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया भाई, 3:30 हो गया, मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ ओला का, आ ही नहीं रहा है वो। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, मात्र 20 मिनट समय बचा है भाई, देखो क्या होता है। पहुँच जाएंगे भैया 20 मिनट में, 25 मिनट। वैसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुंबई में मैं पहली बार YouTube की वजह से आऊंगा, और सच बताऊं तो यहाँ पर आने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, इसलिए मैं ये प्रोग्राम दिल्ली में अटेंड करने से मना कर दिया था क्योंकि मैं अपने K2K का सफर से ब्रेक नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब दोस्तों ने मुंबई पहुंचने का चैलेंज दिया जनरल क्लास में, तो मैंने बोला कि चलो सही है, एक तीर से दो निशाने। कहावत है ना कि उसी का ट्रेन छूटता है जो स्टेशन पर होता है, मेरे साथ अभी एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। सोचो जिस काम के लिए मैं आया था उसी के लिए इतना लेट हो गया, बाकी जो काम नहीं करना था वो लगभग मैंने किया है। खैर देर से ही सही, फिर फाइनली मैं लोकेशन पर पहुंच जाता हूं। थैंक यू। टेबल नंबर 23। थैंक यू। 27 नंबर। 23। थैंक यू। Bye. अब देखो मैंने फाइन तो बोल दिया, लेकिन सच बताऊं तो मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन मेरी ये नर्वसनेस तुरंत दूर हो जाती है जब मेरी मुलाकात होती है अमेजिंग क्रिएटर से। My name is Ansh. Let's all acknowledge each other. Krisha. Dandy. इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स थे जिनसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा था। वैसे यहाँ पर हमें एक टास्क दिया जाता है एक वीडियो बनाने का, तो हमारी ग्रुप ने जो वीडियो बनाया था वो है ये। आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, हमारे पास क्या है? हमारे पास YouTube चैनल। तो भाई जैसा कि देख सकते हो अभी हम एक शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं अपने YouTube शॉर्ट क्रिएटर कलेक्टिव। ये मुझे बोल रहे हैं पीछे बटरफ्लाई बनो। अभी केक कटने वाला है, मुझे बस आने से मतलब है।
फिर फाइनली आता है वो टाइम जिसका कुछ लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जैसे मुझे और ये भाई साहब को। फिर फाइनली पेट पूजा करके और इन सबों को बाय बाय बोलकर मैं वापस से निकल पड़ता हूँ ग्वालियर जंक्शन के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे K2K का सफर के नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, ये वीडियो K2K का सफर का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसे K2K का सफर के एपिसोड में काउंट नहीं किया है। अच्छा, सबसे पहला सवाल, खाना कैसा लगा? ये चोरी थी। मैं अंदर हूं। मोए 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 मोए।